जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए संदर्भित सप्ताह के दौरान घटित विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं में से 15 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। फीफा रैंकिंग में भारत 156वें स्थान पर। अलका पांडा भारतीय मानक ब्यूरो की महानिदेशक नियुक्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी फिल्म मसान और जान असार को राज्य में मनोरंजन कर से मुक्त किया। हरियाणा सरकार ने बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान की घोषणा की। आसियान के विदेश मंत्रियों का 48वां सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने शेयर बाजार में निवेश प्रारंभ किया। भारत मूल के अतुल केशव श्रीलंका तथा मालदीव में अमेरिकी राजदूत नियुक्त। द्वितीय विश्व युद्ध के नायक कर्नल हरवंत सिंह का निधन। भारतीय एयरटेल ने देश भर के 296 शहरों में 4G सेवा शुरू करने की घोषणा की। एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट का उदयपुर सौर वेधशाला में उद्घाटन किया गया। मिस्र ने स्वेज नहर के विस्तार की शुरुआत की। भारत ने दक्षिण एशिया बास्केटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। दीपा कर्माकर ने 6ठी सीनियर आर्ट जिम्नास्टिक एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। शेफ्रोल पानी शुद्ध करने की एक पर्यावरण अनुकूल पद्धति। 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप का चीन में निर्माण। करंट अफेयर्स विस्तार से। फीफा रैंकिंग में भारत 156वें स्थान पर। भारतीय टीम 156वें पायदान पर है। विश्व चैंपियन जर्मनी दूसरे से तीसरे स्थान पर आ गई है। पिछले महीने जारी रैंकिंग में भारतीय टीम को 15 पायदान का नुकसान हुआ था। नई रैंकिंग में भारतीय टीम 156वें स्थान पर किर्गिस्तान के साथ संयुक्त रूप से मौजूद है। अलका पांडा भारतीय मानक ब्यूरो की महानिदेशक नियुक्त। राजस्थान की निवासी अलका ओडिशा कैडर की 1983 बैच की IAS अधिकारी हैं तथा वह केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर हैं। इससे पहले वे भारतीय मानक ब्यूरो में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत थीं। वे ओडिशा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा आदिवासी विकास विभाग में सचिव पद पर भी रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी फिल्म मसान और जान असार को राज्य में मनोरंजन कर से मुक्त किया। मंत्री परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 की धारा 11(1) के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया। मसान फिल्म महोत्सव 2015 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक अवार्ड तथा स्पेशल जूरी प्राइज फॉर प्रोमिसिंग डेब्यू फिल्म के रूप में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीत चुकी है। जान असार सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देते हुए अवध की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को चित्रित कर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाती है। हरियाणा सरकार ने बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान की घोषणा की। हरियाणा सरकार की शिक्षा विभाग ने बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान की घोषणा 4 अगस्त 2015 को की। हरियाणा सरकार के बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेटियों से ध्वजारोहण कराया जाएगा। इस अभियान के तहत हरियाणा के 10,000 सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस पर गांव की बेटियां ध्वजारोहण करेंगी। राज्य के इतिहास में यह नजारा पहली बार देखने को मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। आसियान के विदेश मंत्रियों का 48वां सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित। मलेशिया के विदेश मामलों के मंत्री अनीफा अमन ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। यह सम्मेलन आसियान समुदाय बनाने के लिए आर पीपल आर कम्युनिटी आर विजन के तहत आयोजित किया गया। सभी देशों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ क्षेत्र में शांति स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने के लिए चल रहे प्रयासों पर चर्चा की। इस समूह का उद्देश्य आर्थिक विकास में वृद्धि अपने सदस्यों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विकास क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की सुरक्षा
सदस्य देशों के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतभेदों को हल करना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने शेयर बाजार में निवेश प्रारंभ किया। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने ईपीएफओ की शेयर बाजार में प्रथम निवेश की घोषणा की। यह निवेश एसबीआई म्यूचुअल फंड के सूचकांक से संबद्ध दो ईटीएफ निवेश योजनाओं के जरिए किया जाएगा। इसमें से एक ईटीएफ मुंबई बाजार के सेंसेक्स तथा दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी से जुड़ा है। ईपीएफओ के अनुसार संगठन शुरुआत में अपने कोष में होने वाली सालाना वृद्धि का केवल 5% हिस्सा शेयरों में लगाएगा, जिसे आगे 15% तक किया जाएगा। भारतीय मूल के अतुल केशव श्रीलंका तथा मालदीव में अमेरिकी राजदूत नियुक्त। वे रिचर्ड राहुल वर्मा के बाद इस क्षेत्र में नियुक्त किए जाने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। 44 वर्षीय केशव मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। अमेरिकी सीनेट ने अमेरिकी राजदूत केशव की नियुक्ति को मंजूरी दी। वह वर्तमान में अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण एवं मध्य एशिया ब्यूरो में उप सहायक विदेश सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वे वर्ष 1994 में अमेरिका विदेश सेवा में शामिल हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के नायक कर्नल हरवंत सिंह का निधन। वे वर्ष 1947 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के ऑफिसर इंचार्ज थे। सितंबर 1941 में सिख रेजिमेंट की 2 बटालियन में तैनात सिंह ने ब्रिटिश सेना के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इराक, फिलिस्तीन, उत्तरी अफ्रीका, साइप्रस और इटली में सेवा की। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के साथ युद्ध प्रारंभ होने पर कर्नल हरवंत सिंह श्रीनगर जाने वाले अग्रणी कंपनी कमांडरों में से एक थे। भारतीय एयरटेल ने देश भर के 296 शहरों में 4G सेवा शुरू करने की घोषणा की। एयरटेल 20 शहरों में 4G सर्विस पहले ही शुरू कर चुकी है। एयरटेल ने अप्रैल 2012 में सबसे पहले 4G सर्विस की शुरुआत कोलकाता में की थी। यह 100 MB पर सेकंड से 1 GB पर सेकंड तक स्पीड देने में सक्षम होगी। 4G मोबाइल वर्तमान 2G मोबाइल से 200 गुना और 3G मोबाइल से लगभग 10 गुना तेज होंगे। एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट का उदयपुर सौर वेधशाला में उद्घाटन किया गया। इस दूरबीन का उद्घाटन फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी की काउंसिल ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर यूआर राव द्वारा किया गया। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है जहां इस तरह की दूरबीन है, जो सूर्य की अन्य गतिविधि के अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र का भी अध्ययन कर सकती है। इस परियोजना का देखरेख अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा की जाएगी। अन्य दूरबीनों के विपरीत मास्ट सौर चुंबकीय 3D इमेज लेने में भी सक्षम है। मिस्र ने स्वेज नहर के विस्तार की शुरुआत की। वर्ष 2014 में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करते समय मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फदा अली सीसी ने इस विस्तार को शुरू करने की घोषणा की थी। इस परियोजना को नई स्वेज नहर नाम दिया गया है। यह परियोजना स्वेज नहर प्राधिकरण के अंतर्गत विकसित की गई। इस परियोजना की कुल लंबाई 72 किलोमीटर है। परियोजना के अंतर्गत पहले से स्थित नहर के समानांतर एक नई नहर का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त बिटर लेक और ब्ला बाईपास को गहरा और चौड़ा भी किया गया है। भारत ने दक्षिण एशिया बास्केटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मैच में भारतीय टीम का मुकाबला श्रीलंका की रेड्स टीम के साथ था। भारत ने यह मैच 21-10 से जीता। इससे पहले 1 अगस्त को हुए मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। भारत की 4 सदस्यीय टीम में बेसिल फिलिप केरल, राजेश उप्पर कर्नाटक, सिद्धार्थ शिंदे महाराष्ट्र तथा जीवनांथम पंडी तमिलनाडु शामिल हैं। दीपा कर्माकर ने 6ठी सीनियर आर्ट जिम्नास्टिक एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता।
इससे पहले दीपा ने ग्लासगो स्थित वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में 14.725 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया था। चीन के यान वांग ने 14.988 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। जापान के साई मियाकावा 14.812 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान पर रहे। शेफ्रोल पानी शुद्ध करने की एक पर्यावरण अनुकूल पद्धति। अगस्त 2015 के पहले सप्ताह में वैज्ञानिक पद्धति शेफ्रोल चर्चा में रही। पुडुचेरी स्थित चिन्ना कालापेट मत्स्य स्थल को शेफ्रोल आधारित जल संशोधित प्रणाली द्वारा बनाया गया है। यह जल संशोधन संयंत्र नवंबर 2014 को एक पीएचडी छात्र अष्टव भट्ट द्वारा स्थापित किया गया था। इस संयंत्र में स्वच्छ, हरित तथा सस्ती तकनीक शेफ्रोल का प्रयोग किया गया, जिसमें 2 एक्वेटिक प्लांट्स, 4 लीफ क्लोवर तथा वाटर हायसिंथ का प्रयोग किया गया है। 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप का चीन में निर्माण। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। इसका डिश 30 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप एक एरेसिबो प्रकार का टेलीस्कोप है। यह राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग द्वारा वित्त पोषित तथा चीनी विज्ञान नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज ऑफ चाइनीज अकादमी ऑफ साइंस द्वारा प्रबंधित है। यह विशाल डिश हजारों स्टील के पिलर्स और केबल्स के आधार पर टिकी हुई है। यह अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी से रेडियो सिग्नल पकड़ने में सक्षम होगा। वर्तमान में प्योर्टो रिको की एरेसिबो वेधशाला में स्थित टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, जिसका व्यास 300 मीटर है। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।